मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कविता सुनाने जा रही हूँ। और ये कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। कविता 13वीं है और कविता का नाम है मिर्च का मजा। तो चलो सुनते हैं कविता। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। एक जैसे आप लोग जानते हो काबुली वाला जो अफगानिस्तान से आते हैं ये लोग ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए, भारत में सभी जगह घूम घूम कर ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं क्योंकि अफगानिस्तान वो इलाका ऐसा है कि जहाँ ड्राई फ्रूट्स अच्छे सस्ते मिलते हैं। और काबुली वाले ज़्यादातर पठान होते हैं। तो जब उसने भारत में आकर लाल मिर्च देखी होगी तो उसके मुंह में पानी भर आया। अरे वाह, कुछ अलग चीज दिखती है। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। लाल रंग की मिर्च को देखकर उसने सोचा क्या अच्छे दाने हैं ये, और इसको खाने अगर मैं खा लूँ तो मेरे अंदर शक्ति प्राप्त होगी, और खाना तो है ही क्योंकि ये जरूर कोई मीठा फल होगा। अनजान था वो, उसे नहीं पता मिर्च क्या चीज थी। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़ीन से बोला बेचारा जो क्यों कुछ समझाकर। उसे भारत की भाषा नहीं आती थी तो कुंजड़ीन यानी भाजी वाली जो होती है, हम लोग भैया बोलते हैं आजकल, तो वो जो सब्जियां बेचते हैं तो उसे कुंजड़ीन कहा जाता है। उसके सामने एक चवन्नी यानी चार आने 25 पैसे फेंक कर उसने अपनी झोली फैलाई और जैसे तैसे उसने समझा कर बताया कि मुझे ये चीज चाहिए। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमिया फकत चार आने की। तो हमको भी तोल कर दो अगर ये कोई खाने की चीज़ है। अफकोर्स हम लोग जानते हैं कि मिर्ची खाने की ही चीज़ होती है, लेकिन मिर्ची ये फल नहीं है कि जिसको सीधा खाया जाए। मिर्ची से खाने में स्वाद प्राप्त होता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही इसे खा लूँ तो मुझे बल प्राप्त होगा, जरूर कोई लाल रंग का फल है, तो मुझे भी ये चार आने की खरीद कर खानी चाहिए। तो कुंजड़िन के सामने उसने अपनी झोली फैलाई थैली और उसमें कहा कि मुझे भी चार आने की ये दे दो, फकत चार आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। वो बेचारी क्या जाने कि इसको वैसे ही खानी है, उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो खाते तो है ना, खाने की ही चीज़ है। और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो ये उस वक्त की बात है जब शेर का वजन होता था, आधा शेर, एक शेर, दो शेर, इस तरह से। आजकल तो ग्राम किलो का हिसाब चलता है। तो उसने चाराने में एक शेर भर लाल मिर्च से उसकी झोली भरकर उसको दे दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, बहुत खुश हो गया काबुली वाला। ऐसा सोचा उसने कि वाओ, चार आने में कितने सारे ये फल आ गए और ये तो बहुत सस्ता सौदा हुआ। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके, वो नदी किनारे गया और वहां जाकर उसको वो फल खाने थे। उसे नहीं पता था कि इसका स्वाद कैसा होता है, लेकिन उसने सोचा ये फल है तो मैं इसको खा लूंगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। देखो अब ये कितनी अच्छी चीज बताइए कि मिर्च ने अपना जोर दिखाया। मिर्च तो मिर्च है, तीखी होती है और मिर्च खाना कोई आसान बात नहीं है। तो मिर्च ने अपना जोर दिखाया, ने उसको पता चल गया ये तो तीखी चीज है। उसका सारा मुंह जल गया, जीभ और आंखों में पानी भर आया। अब उन्होंने जल शब्द को दोबारा इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले जल का मतलब अलग है और दूसरे जल का मतलब अलग है। मुंह सारा जल उठा, उस काबुली वाले का सारा मुंह जल गया, जलन होने लगी मुंह में तीखी मिर्ची खाकर, और आंखों में से पानी टपकने लगा। दूसरे जल का अर्थ है पानी। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, लाल मिर्ची से, लाल ये जो पतली सुंदर जो फली थी उससे मुख क्यों मोड़ेगा वो, क्योंकि काबुल का है वो और मर्द है। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। अब उस पर चार आने जो उसने खर्च किए थे, चवन्नी खर्च की थी, तो बिना खाए उसे थोड़े ही ना छोड़ने वाला था। आंख पोंछते दांत पीसते, गुस्से में आकर आंखें पोंछकर रोते हुए,
देरी से आते हुए जैसे तैसे वैसे वैसे उसने उस मिर्च को खाना ही योग्य समझा। वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते, सिसक रहा था, रो रहा था, दांत पीस रहा था, आंखें पोंछ रहा था, मुंह में जलन हो रही थी, न जाने कैसे हालत हो गई उसकी, लेकिन उसने मिर्च खाना बंद नहीं किया। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर योग कर रहा तबाही। वो बेवकूफ है क्या तू, इस तरह से तबाही क्यों मचा रहा है, इतनी मिर्च कोई खाता है क्या, पागल हो गया है तू, मूर्ख है। सिपाही ने कहा काबुली वाले से, कहा काबुली ने, काबुली वाले ने क्या कहा, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, मैं काबुल का हूँ, मर्द आदमी हूँ, स्ट्रांग हूँ, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा, ऐसा वैसा मुझे मत समझो, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा, मैंने इस पर पैसे खर्च किए तो मैं इसे फेंकूंगा नहीं, तू अपनी राह पकड़, मैं अपने पैसे कैसे खर्च करने हैं और कैसे खाने हैं मैं खुद सोच लूंगा, लेकिन मैं इन सारी छिमियों को, लाल छिमियों को खाकर ही रहूंगा। काबुली वाले को सब्जी वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसीलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो, नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो, एक पर्ची उठाओ, अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। तो यहाँ बच्चों एक्शन मतलब कृति से, हमारे हाव भाव मुद्रा से इन बातों को हमें दूसरों को बताना है और दूसरा उसे पहचान जाए। तो कौन से शब्द है, कौन से वाक्य है देखेंगे। पहला वाक्य है मुझे बहुत सर्दी लग रही है, दूसरा बिल्ली दूध पी रही है उसे भगाओ, तीसरा मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं, अरे ये तो बहुत कड़वा है, नेक्स्ट चोर उधर गया है चलो उसे पकड़े, फिर है पार्क में चलकर खेलेंगे, फिर मुझे डर लग रहा है, उफ ये बदबू कहाँ से आ रही है, आहा लगता है कहीं हलवा बना है। अब सही सवाल, काबुली वाले ने कहा अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? मेरे हिसाब से काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि ये कौन सी चीज है, इसका स्वाद कैसा होगा, क्या मैं इसको चख के देख सकता हूँ और फिर खरीदने की सोचूंगा। जल या जल, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द के दो अर्थों में इस्तेमाल किया है, दो शब्द को, जल यानी जलना, जल यानी पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ है। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए और दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल। अब शब्द है हार। अब वाक्य, जिसकी हार होती है उसे हार नहीं पहनाते। आना, आठ आने की मिठाई लेकर आना। उत्तर, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें उत्तर दिशा में मिल जाएगा। फल, फल खरीदकर ईश्वर को चढ़ाओगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। मगर, मैं पानी में उतरना चाहती थी मगर वहां बड़ी मगर थी। पर, चिड़िया के पर कट गए थे पर वह हिम्मतवान थी। काबुली इस कविता में वे पंक्तियां छाटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो ये क्या शब्द है, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्योतियों कुछ समझाकर। काबुली वाला कंजूस था, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। मिर्च बहुत तीखी थी, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको दो तौल छिमिया, फकत चार आने की। चार आना, चवन्नी मतलब चार आना। अब बताओ, मतलब उन्होंने पूछा है चार आना मतलब 25 पैसे, तो एक रुपए में कितने पैसे हुए, एक रुपए में 100 पैसे हुए। अठन्नी मतलब आठ आने, इकन्नी मतलब एक आना, दो अन्नी मतलब दो आने।
तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो जवाब है कि इशारा करके, उस चीज की ओर इशारा करके उस चीज का दाम पूछा जा सकता है। बातचीत के लिए, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? काबुली वाले ने कभी मिर्च नहीं देखी थी, उसके बारे में वह कुछ भी न जानता था, उसे वह कोई लाल रंग का मीठा फल समझा, इसीलिए वह उसे लाल मिर्च मीठा फल समझा। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? सब्जी बेचने वाली ने सोचा इसे चारा नहीं की मिर्ची ही चाहिए, इसीलिए शेर भर मिर्ची से उसकी झोली भर दी। सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? मिर्च खाने के बाद काबुली वाले का सारा मुंह जल उठा और आंखों में पानी भर आया, वह सिसियाने लगा, रोने लगा और न जाने क्या हुआ, लेकिन उसने सारी मिर्चें खत्म कर दी। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? नहीं, काबुली वाले ने टमाटर नहीं खाया होगा, क्योंकि मिर्च ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो, और पंक्ति है, एक बार मैं उसे पढ़ाऊंगी और फिर पढ़ूंगी और फिर उसको सही कैसे लिखा जाएगा ये बताऊंगी। हमको दो तौल छिमिया फकत चार आने की, हमको फकत चार आने की छिमिया तौल दो, वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते, सिसकिया दे देकर सिसकिया दे देकर वह मिर्च की छिमी को खाता रहा। जातू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा, मैं अपना पैसा खा रहा हूँ, तू अपनी राह निकल ले। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। अब उन्होंने पूछा है मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया, तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? मेरे घर मई के महीने में आम का रस और पूरी का भोजन होता है, आम की खुशबू रंग और रुचि को सोचकर ही मेरे मुंह में पानी भर आता है। बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।